कांशीराम साहब ने एक बुक लिखी थी जिसका चमचा युग था शायद वो। हाँ हाँ, चमचा। और जो चमचा युग था उनको क्या जरूरत पड़ी कि ये चमचा युग जैसा एक टाइटल लगा के इसको लिखा उन्होंने, उसके बारे में बताएं। जरूर जरूर। ये 24 सितंबर 1982 को इस किताब को रिलीज किया गया जी। और उस समय पे पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था उसके 50 साल पूरे हुए। पिछले 50 साल में पूना पैक्ट का क्या दुर्प्रभाव बहुजन समाज पे पड़ा, उस नकारात्मक इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने और इस किताब की रचना की। वास्तव में भारतीय राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं, वर्तमान भारतीय राजनीति को आप समझना चाहते हैं, तो आपको इस किताब को अवश्य पढ़ना पड़ेगा। अगर इस किताब को आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो भारतीय राजनीति का है उससे अनभिज्ञ हैं। आप कभी भी भारतीय राजनीति का सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। माननीय कांशीराम साहब ने अपनी ये जो किताब है उस किताब में बताने का प्रयास किया है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ये माननीय साहब ने शुरुआत नहीं की, 1936 में बाबा साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, अछूतों के लिए कांग्रेस और गांधी ने क्या किया। उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के प्रतिनिधि चुन के आते हैं, वास्तव में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के प्रतिनिधि ना होके वो अपनी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए बोलते हैं, अगर कभी बोलते भी हैं तो, अदरवाइज बोलते नहीं हैं, और वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा कि गांधी ने किस प्रकार का षड्यंत्र रच के, मोहनदास करमचंद गांधी ने किस प्रकार का षड्यंत्र रच के, बाबा साहब ने जो मेहनत की गोलमेज सम्मेलन में और आंदोलन के द्वारा जो फल उन्हें मिला था उसको पूरी तरीके से, उसके रस को, बाबा साहब ने खुद इस बात को कहा कि जो मैं फल अपने लोगों के लिए लेके आया था उसका रस गांधी ने अपने लोगों को पिला दिया है और उसकी गुट्ठल मेरे लोगों के मुंह पे दे मारी है। वास्तव में पूना पैक्ट के द्वारा ये हुआ कि हमारा जो प्रतिनिधि, हमारे नाम से जो प्रतिनिधि चुना जा रहा है, सपोज एक विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर जहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे 30% जैसा कि होता नहीं, आमतौर पर 80-80 की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है किसी लोकसभा में, कुछ हो सकती हैं 2-4-5 लोकसभा विधानसभा इस तरह की हो सकती हैं। सपोज एक विधान लोकसभा के अंदर 20% शेड्यूल कास्ट लोग हैं, वहाँ से शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को चुना जाना है, तो जो कैंडिडेट्स होंगे वो 2-3-4-5 पार्टियों के कैंडिडेट्स होंगे, तो वहाँ पे कैंडिडेट तो शेड्यूल कास्ट होगा लेकिन वोट सारे के सारे 100% लोग डालेंगे। शेड्यूल कास्ट अगर 20% है, सपोज उनकी पसंद का एक व्यक्ति ऐसा है जिसको वो वोट डालना चाहते हैं और 20% लोगों ने एक व्यक्ति को वोट डाल दिया, लेकिन वो 20% लोकतंत्र के अंदर उनका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 80% लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा। इसलिए ये 80% लोग जो हैं ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो शेड्यूल कास्ट के बारे में बिल्कुल भी ना बोलता हो, जो शेड्यूल कास्ट के आंदोलन का बिल्कुल भी हिस्सा ना हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो बेकार हो, नाकारा हो, जिसके बारे में जिसकी कोई नॉलेज ना हो, जिसका कोई त्याग ना हो, जिसका कोई बलिदान ना हो, और आमतौर पर उसकी संख्या भी बहुत कम हो। अगर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखते हैं वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी होती है, उसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो उस संख्या, उस कम्युनिटी के व्यक्ति को ना लेंगे या ऐसी कम्युनिटी के व्यक्ति को लेते हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो, उन 20 में से भी, क्योंकि सारे के सारे एक से लोग नहीं है, तो कोई किस कम्युनिटी का है, कोई किस कम्युनिटी का है, कोई किस कम्युनिटी का, तो सबसे कम संख्या वाले व्यक्ति को ही लेंगे। सबसे कम संख्या लेने वाले से वो होगा कि उस व्यक्ति की अपनी कोई सपोर्ट बेस नहीं होगी, हमेशा वो उनके नीचे बैठेगा। इसलिए पिछले 70 जब ये 82 में किताब लिखी गई उस समय 50 साल में इन्होंने कहा कि सिर्फ यहाँ पे चमचे पैदा हुए हैं। ये चमचे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ये कांग्रेस के चमचे हो सकते हैं, कम्युनिस्टों के चमचे हो सकते हैं, उस समय बीजेपी नहीं थी, जनसंघ के चमचे हो सकते हैं और दूसरे दलों के चमचे हो सकते हैं, मतलब 80 में बीजेपी बनी थी तो कोई खास वजूद उसका नहीं था, तो इस तरीके से अलग अलग पार्टियों के ये लोग हैं जो कि SC ST के खिलाफ बात करते हैं, और उसके रूप में उन्होंने कहा कि अब हम इसका निषेध करते हैं। पूना पैक्ट अधिकार दिवस उन्होंने मनाया था कि हम इसका निषेध करते हैं, लेकिन
उस समय पे एक झगड़ा हुआ, कुछ लोग कहने लगे कि इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमें अब पुराने सिस्टम पे जाना चाहिए। तो मानव कांशीराम साहब ने कहा कि नहीं, हमें पुराने सिस्टम पे नहीं जाना है, बल्कि आज से हम इस पूना पैक्ट का विरोध ना करके इसकी इसकी कार्ड डेवलप करेंगे। और इसकी कार्ड डेवलप करने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे अब इस देश में बहुजन समाज बनाना है, बहुजन समाज का निर्माण करना है, क्योंकि ये जो 20% लोग हैं, ये सिर्फ 20% ही जाति के शिकार लोग नहीं है, बल्कि 20 से अलग भी कम से कम 65% ऐसे लोग हैं, 85% देश के यहाँ देश में ऐसे लोग हैं जो जाति के शिकार हैं, मनुवाद हैं। हमें एससी एसटी ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज का गठबंधन बनाना पड़ेगा, बहुजन समाज बनाना पड़ेगा, और जब हम बहुजन समाज बना लेंगे तो फिर हम चमचा युग को समाप्त कर देंगे। तो चमचा युग को समाप्त करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा युग नाम की किताब लिखी, और उस युग को वास्तव में समाप्त करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उन्होंने ये करके भी दिखाया, जैसे कि 2007 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, जहां पे बीएसपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला, वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में बहुजन समाज पार्टी नहीं जीतती है, वो जनरल सीट्स पे जीतती है, लेकिन 2007 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं विधानसभा के अंदर, और बीएसपी के पास 63 सीट्स उस समय पे थी। तो वो कैसे संभव हो पाया? वो इसी वजह से संभव हो पाया कि बहुजन समाज का जो के अलग अलग हिस्से हैं, शेड्यूल कास्ट टाइप्स ओबीसी जो है, उनके अंदर एक भाईचारा डेवलप हुआ, उनके अंदर एक समझदारी पैदा हुई कि हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए, हमारा विरोधी जो है वो कॉमन है। इसलिए 70% बीएसपी का उसमें स्ट्राइक रेट रहा, जो कि उसके जनरल स्ट्राइक रेट से काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि बीएसपी को उस समय बहुमत उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था। तो मान्यवर साहब ने मैं समझता हूँ कि चमचा एज लिखकर भारत के हर राजनीतिक विज्ञानी को और हर सामाजिक कार्यकर्ता को एक दिशा देने का प्रयास किया। आज फिर उसी तरह की परिस्थितियाँ डेवलप हो रही हैं।